और अब आपको आज की बड़ी खबरें दिखाते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शांति के साथ चले, इसको लेकर सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने अलग अलग सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। संसद शांतिपूर्ण चले और कामकाज सही तरीके से हो, इसे लेकर आज दो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पहली सर्वदलीय बैठक संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बुलाई है, जो सुबह 11 बजे होगी। दूसरी सर्वदलीय बैठक लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई है, जो शाम को 7 बजे होगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन राहुल गांधी सहित अन्य दलों के नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगी। इससे अलग कल विपक्षी दलों ने भी संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बैठक की। विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति चुनाव को लेकर साझा उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कांग्रेस किसी भी विपक्षी पार्टी को समर्थन देने को तैयार है, हालांकि उम्मीदवार किस पार्टी का और कौन होगा ये अभी तय नहीं है। विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, पूरा विपक्ष चाहता है कि सदन चले और कामकाज हो। जनता के मुद्दों पर दोनों सदनों में अगर सरकार हमको उन मुद्दों पर चर्चा करने देगी तो हम कोई आपत्ति नहीं है। हम बिल्कुल अच्छी तरह से सदन चलना चाहते हैं और सदन को भी फायदा हो, कानून भी बने और हमारे मुद्दे उठे।